नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल्स को सुनते आ रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। हम दोस्तों बात करते हैं औषधियों के बारे में कि किन औषधियों के द्वारा कौन से रोगों को हम दूर कर सकते हैं या किस प्रकार से हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों आइए, आज की जो हमने औषधि ली है आप सभी के लिए दोस्तों, वो है मौसमी, यानी फल भी होता है ये एक, आप फल कहें या औषधि कहें, मौसमी के बारे में आज हम बात करेंगे। मौसमी निरापद आहार है दोस्तों, सभी प्रकृति वालों को और सभी अवस्थाओं में इसका सेवन लाभदायक है, यानी कि हर तरह के लोग इसे खा सकते हैं। रोगी दुर्बल होने पर शरीर में शक्ति बनाए रखने के लिए मौसमी का रस पिए। भूख की स्थिति में इसका सेवन अमृत तुल्य है। भूख की स्थिति में इसका सेवन अमृत तुल्य है दोस्तों, और भारी पेट में यह भोजन का पाचन करती है। अधिक मूत्र आने और दस्तों में मौसमी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका पेट खराब हो दोस्तों, तो आपको मौसमी का जूस नहीं लेना चाहिए। मौसमी एक पौष्टिक फल है, इसे नियमित खाने से औषधि जैसे परिणाम मिलते हैं। बीमार होने पर इसका विशेष उपयोग निम्न प्रकार से, यानी कि हम जैसे बता रहे हैं दोस्तों, आप वैसे करें आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको गुर्दे का रोग है दोस्तों, तो मौसमी नहीं खाना चाहिए। गुर्दे के रोगों में मौसमी विष के समान काम करती है, पेट पर अफरा लाती है। जुकाम, जिन व्यक्तियों को बार बार जुकाम सर्दी लग जाती है, वे थोड़े समय तक मौसमी का रस पीकर इससे स्थायी रूप से बच सकते हैं। मौसमी के रस को हल्का सा गर्म करके 5 बूंद अदरक का रस डालकर पीना अधिक गुणकारी है। शक्तिवर्धक, मौसमी का रस पाचनांग, मस्तिष्क और यकृत को शक्ति तथा स्फूर्ति देता है। इसका रस खाए हुए भोजन को शरीरांश बनाने में सहायता करता है, यानी कि शरीर के अनुकूल बनाने में सहायता करता है दोस्तों। जटिल रोगों तथा ज्वर में जब खाना देना, अन्न देना मना कर दिया जाता है, तो इसका रस सेवन करने से रोगी दुर्बल नहीं होने पाता। रोगी के शरीर से इन रोगों का विषैला पदार्थ निकल जाता है तथा स्वस्थ होने में सहायता मिलती है। इसका रस कई दिन तक पीते रहने से दस्त प्राकृतिक रूप से आने लग जाता है। कब्ज, सिरदर्द, काम करने में मन न लगना, थोड़ा काम करने पर थक जाना, रात को नींद न आना आदि कष्ट दूर हो जाते हैं। नई स्फूर्ति और शक्ति आ जाती है। शिशुओं को मौसमी का रस दूध में मिलाकर पिलाना चाहिए। हृदय रोग, जी हाँ दोस्तों, मौसमी के निरंतर प्रयोग से रक्त वाहिनियाँ कोमल और लचीली हो जाती हैं। उनमें एकत्रित कोलेस्ट्रॉल यानी कि विषैला पदार्थ जो हृदय को फेल करने में सहायक और रक्त प्रवाह में बाधा डालता है, शरीर से निकल जाता है और शरीर में ताज़ा रक्त, विटामिन और आवश्यक खनिज लवण पहुंचा देता है। हृदय और रक्त संस्थान रक्त वाहिनियों और कैपिलरीज को शक्तिशाली बनाने में मौसमी सर्वोत्तम है। गर्भवती का भोजन, जी हाँ, मौसमी में कैल्शियम अधिक मात्रा में मिलता है। गर्भवती स्त्रियों और गर्भाशय में बच्चे को शक्ति प्रदान करने के लिए इसका रस पौष्टिक होता है। दमा एवं खांसी, मौसमी के रस में रस का आधा भाग गर्म पानी जरा सौंठ मिलाकर पिलाएं, दमा और खांसी दूर हो जाएगी दोस्तों। आंत्र ज्वर, जी हाँ दोस्तों, टाइफाइड, आंत्र ज्वर में मौसमी लाभदायक है। जब ज्वर आदि में अन्य आहार न लिया जा सकता हो, तब शक्ति बनाए रखने के लिए तथा शरीर को पोषण देने के लिए यह लाभकारी है। रक्त शोधक, मौसमी का रस रक्त शोधक है। यह चर्म रोगों में लाभकारी है। रोग निरोधक शक्ति, मौसमी का रस पीने से रोग निरोधक शक्ति एवं जीवन शक्ति बढ़ती है।
मौसमी में क्षार तत्व होता है जो रक्त की अम्लता को कम करता है। इसके रस से पेट की अम्लता कम होती है, भूख लगती है दोस्तों। तो देखा अपने दोस्तों कि किस प्रकार से एक मौसमी जो है हमारे लिए बेहद लाभकारी साबित होता है, गुणों का खान होता है दोस्तों। इसी प्रकार से पुनः हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।